फ्री विल और डेस्टिनी, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसे लेकर डोलोरस कैनन ने अपने सब्जेक्ट से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान पूछा गया। इसका वर्णन इनकी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 4 में दिया गया है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2 एंड 3 को लेकर एक वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड भी किया है, आप जरूर जाकर एक बार चेकआउट करें, क्या पता आपके अपने सवालों का जवाब मिल जाए। तो डोलोरस कैनन और सब्जेक्ट के बीच बातचीत एक स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और पूर्व नियति यानी डेस्टिनी की अवधारणा पर प्रकाश डालती है। वक्ता समझाता है कि प्रत्येक आत्मा की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है और ये पर्सनैलिटी प्रभाव करता है कि वे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं यानी कैसे डिसीजन लेते हैं। हालांकि व्यक्ति के पिछले अनुभवों और चरित्र के आधार पर कुछ कार्यों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर भी अन्य विकल्प और परिवर्तन की गुंजाइश फिर भी रहती है। हालांकि व्यक्तित्व में भारी बदलाव आना एकदम से असामान्य है। नियति या डेस्टिनी के संबंध में डोलोरस कैनन इस बात पर जोर देती है कि नियति किसी भारी ताकत द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के निर्णयों और स्वयं के उस बड़े हिस्से से प्रभावित होती है जिससे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है, जिसे आप एक आइसबर्ग के समान समझिए जिसकी चोटी या शिखर हमारे इस जीवन में हमारा व्यक्तित्व है। हालांकि जीवन के कुछ पहलू हमारे सीमित नजरिए के कारण पूर्व निर्धारित लग सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपने रास्ते चुनने और बढ़ने और विकसित होने के साथ साथ अपनी नियति को आकार देने की शक्ति होती है। डोलोरस कैनन बताती है कि जीवन में कुछ एनकाउंटर्स और आपसी रिश्ते पिछले बंधनों और कर्मों के कारण पूर्व निर्धारित महसूस हो सकते हैं, फिर भी व्यक्तियों के पास एक विकल्प होता है कि कैसे इन रिश्तों और स्थितियों से निपटा जाए। डोलोरस कैनन इस बात पर जोर देती है कि अगर कोई इंसान ये शिकायत करता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इसका कारण उसके आलस्य या आगे बढ़ने की अनिच्छा से है, यानी वे अपने आप को बदलाव करने में असक्षम पाते हैं। पिछले जन्म के जीवन और यादों के बारे में वक्ता बताती है कि व्यक्ति सचेत रूप से अपने पिछले जीवन को याद नहीं कर सकते। ये यादें अवचेतन मन में संग्रहित होती है और उनके अंतर्ज्ञान और निर्णय लेने को प्रभावित कर सकती है। उनका तर्क है कि पिछले जन्मों को सचेत रूप से याद करने से जीवन बहुत अधिक कठिन हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति लगातार यादों से घिरे रहेंगे और अपने वर्तमान जीवन के पाठों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाएंगे। डोलोरस कैनन सुझाव देती है कि सम्मोहन जैसी तकनीकें जो कि पिछले कर्मों को उजागर करने में मदद कर सकती है, व्यक्ति को उनके आध्यात्मिक प्रगति में सहायता कर सकती है, खासकर जब मानवता कुंभ राशि के युग में प्रवेश करती है यानी एज ऑफ एक्वेरियस में एंटर कर रहा है। हालांकि बातचीत इस बात पर प्रकाश डालती है कि पिछले जन्मों को अपने आप से याद कर पाना बेहद कठिन है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिछले एक्सपीरियंस और अनसुलझी भावना को सामने ला सकता है जो व्यक्तिगत विकास में सहायता करने के बजाय बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब उदाहरण के तौर पर आप अपने काम में व्यस्त है और अचानक आपको अपने पिछले जन्म की कोई बात याद आ जाए और आपको पता चलता है कि आपके पिछले जन्म में किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आप एकदम से भावनाओं में बह जाएंगे और आप शायद कुछ गलत कर बैठे। आगे डोलोरस कैनन कर्म के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करती है और अपने सब्जेक्ट को बताती है कि प्रत्येक कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा उसके परिणाम होते हैं जिनका प्रतिफल अवश्य मिलता है या संतुलित तरीके से कर्म बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई किसी के साथ गलत करता है तो उससे वह भविष्य में तब तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जब तक कि वह अपने आप में बदलाव नहीं ले आता। उनकी बातचीत इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कर्म विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, न कि केवल प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में यानी जैसा आपने किया है वैसा ही आपको मिलेगा उसी तरीके से, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय करता है तो उसे सुधार करने के लिए उसे अगले जीवन में उसकी सेवा या समर्थन करना पड़ेगा। ये दर्शाता है कि कर्म का भुगतान विभिन्न अनुभवों और कार्यों के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान कर्मों का हिसाब किताब देने ही धरती पे आता है, इस दुनिया में आता है। मान लीजिए कि आपने एक किताब पढ़ी और आपने ज्ञान ग्रहण किया उससे, अब अगला चरण आता है प्रैक्टिकल्स। जैसे केमिस्ट्री में रसायन के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया सीखा जाता है, वैसे ही आपने आध्यात्मिक जगत में रहकर एक स्कूल में अध्ययन किया और उसे अब धरती पर अवतरित होकर आपने जो सीखा उसका अनुभव करना होता है। उस अनुभव में कुछ दर्द और तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब देने आए हैं। इस तरह के अनुभव केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने आए हैं। आगे की बातचीत में आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर होती है जिसे बुक ऑफ लाइफ कहा जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पिछले जन्म के हर अनुभव को रिकॉर्ड करके रखता है। इसे एक जादुई किताब के रूप में मान लीजिए जो पिछले जन्म और संभवतः भविष्य के भी
होगी जो आपके भविष्य में जीवन है उसका भी रिकॉर्ड रखता है। ये एक बैंक की तरह है जो काफी सुरक्षित है, यानी केवल आप ही अपने रिकॉर्ड्स को जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ अनुभव जीवन के बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं जिसे याद रखना अब जरूरी नहीं रह जाता। तो आपके लिए सुविधा है कि आप उन अत्यधिक नकारात्मक वाले जैसे कि प्रलय की घटनाएं अपने आकाशीय रिकॉर्ड से मिटा सकते हैं ताकि बाद के जीवन में भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान ना हो सके।